नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल साहित्य समाराजपुरा पर। दोस्तों आप जानते हैं एसएससी की सारी परीक्षाएं अभी आपके आने वाली हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, आगे आने वाली एसएससी जीडी की एग्जाम, बिहार पुलिस के एग्जाम, यूपी पुलिस के एग्जाम, रीटेस्ट जो हो रहा है अभी, और जेके एसएसपी के दुनिया भर के एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स होंगे, उन सबके लिए हम आपको फ्री कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। सो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज की इस वीडियो में आज हम साइंस का ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम मेटल्स। दोस्तों आपने अगर कोई एग्जाम दिया है, गवर्नमेंट एग्जाम दिया, प्राइवेट एग्जाम दिया, आपने देखा होगा जब भी जीएस में क्वेश्चन आते हैं साइंस के रिलेटेड, तो सीधा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हम इतने डीपली पढ़ते हैं साइंस को, हमें फैक्चुअल का फैक्ट्स का पता ही नहीं रहता, अक्सर हम डिस्क्रिप्शन में खोए रहते हैं। तो आज की हमारे इस टॉपिक का जो सोर्स होगा वो होगा जनरल नॉलेज न्यूसेंट। ओके शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम मेटल्स। तो सबसे पहला फैक्ट, जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर किलिंग रैट्स। क्या कहते हैं कि आपने देखा होगा चूहों को मारने के लिए दवा लाई जाती है, और चूहों को मारने के लिए दवा लाई जाती है, उस दवा में जो केमिकल होता है वो जिंक फॉस्फाइड होता है, PHOS, PHID, जिंक फॉस्फाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वुड फर्नीचर साथ कोटेड विद जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट्स। आजकल आपने देखा होगा आजकल के जो प्लाईवुड्स आती हैं, आजकल की जो लकड़ियां आती हैं, फर्नीचर्स आते हैं, काफी ज्यादा देर तक चलने वाले ड्यूरेबल फर्नीचर्स आते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन पर जिंक की कोटिंग की जाती है। कौन से जिंक की कोटिंग? जिंक क्लोराइड की कोटिंग की जाती है ताकि उस पर सिंक ना लगे, उस पर टर्माइट्स अटैक ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेसिव ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बींग्स कॉज डिजीज कॉल्ड विल्सन। देखो हम सुनते आए हैं, आज भी सुनते आ रहे थे कि यार तांबे के बर्तन में पानी पीजिए आप चार्ज रहेंगे, क्योंकि देखो तांबा बहुत अच्छी चीज होती है, मैं कहता हूँ तांबर के गुण हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन एक्सेसिव कॉपर जब हमारी बॉडी में हो जाता है तो उससे एक डिजीज पैदा होता है, जिस डिजीज का नाम है विल्सन डिजीज, ठीक है। उसके बाद फैक्ट देता है गैल्वनाइज आयरन इज कोटेड विद जिंक। आपने देखा है आयरन की कोई भी चीज अगर वो बाहर पड़ी रहती है, अगर उसको आप बाहर रख देते हो, उस पर पानी का अटैक होता है, उस पर हवा लगती है, तो रस्ट बन जाती है और वो आयरन जल्दी ही खराब हो जाती है। बट अगर उस पर जिंक की गैल्वनाइजेशन की जाए, जिंक की कोटिंग की जाए, तो आयरन काफी देर तक चल सकती है। तो जिंक पे जो सॉरी आयरन पे जो कोटिंग की जाती है वो जिंक की जाती है, गैल्वनाइज आयरन, ठीक है। आगे रस्टिंग ऑफ आयरन से केमिकल चेंज विच इंक्रीज द वेट ऑफ आयरन। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में बड़ी बार पूछा है, रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि देखो रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या इफेक्ट पड़ता है आयरन के ऊपर, उसका वेट इंक्रीज होता है, वेट डिक्रीज होता है, वेट सेम रहता है या खत्म हो जाती है आयरन। तो सीधी सी बात, जब भी रस्ट लगेगी आयरन के ऊपर तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। आप क्या करना, एक्सपेरिमेंट के तौर पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आप कील ले लेना, एक कील का वेट कर लेना, आयरन आयरन नेल होना चाहिए, आयरन नेल का वेट कीजिए, उसको बाहर रख दीजिए, 7-8 दिन बाद देखो कि उस पर अटैक होगा किसका, पानी का, मॉइस्चर का, हवा का, तो उस पर रस्ट जम जाएगी। अब उस रस्ट वाले कील का वेट उठा करके देख लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए आपको अपने साथ, ठीक है, तभी तो समझ आएगा। तो रस्टिंग लगने से क्या होता है, आयरन का वेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रेट इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ। देखो ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं, व्हाट इज हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ क्या है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम हाइड्राइड है या मैग्नीशियम टाइटेनियम, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो सीधे इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्राइड को ही हाइड्रोलिथ कहा जाता है। तो हमने ये पढ़ा अभी, कैल्शियम हाइड्राइड को भी हाइड्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्राइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स। दोस्तों आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स देखते वक्त आपने देखा होगा वाटर प्रूफ कपड़े आ गए हैं आजकल, पानी फेंको ऐसे करते हैं पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। वैसे ही वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ क्लोथ्स के लिए कैल्शियम हाइड्राइड यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड वाली स्क्रीन होती हम भी आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ाते, अंडरलाइन करके पढ़ाते हैं, बट अभी हमारे पास यही सोर्स है, जितने में है उतने में पूछ रहना सीखो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक फ्लैश बल्ब, मैग्नीशियम वायर इज कैप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस। फ्लैश बल्ब होते हैं जो फ्लैश लगाते हैं, कैमरामैन भी फ्लैश देखी होगी, फ्लैश चलाते हैं, फ्लैश बल्ब के अंदर मैग्नीशियम वायर को नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में रखा है। हम कह सकते हैं कि फ्लैश लाइट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसमें जो वायर होती है ना मैग्नीशियम की, उसको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं टाइटेनियम की, टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल बिकॉज इट इज लाइटर देन आयरन। टाइटेनियम को एक स्ट्रेटेजिक मेटल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आयरन से इसका वेट कम होता है, टाइटेनियम का काम इतना ही करेगा, ये काम उससे भी अच्छा करता है टाइटेनियम, उसको स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है। उसके बाद फैक्ट है हमारा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्काली मेटल। तो
मैं पढ़ता था उस वक्त मेरे भी दिमाग में होता अल्काली कौन से, अल्कालिन कौन से, ग्रुप 1 कौन से है, समझ नहीं आता। अल्काली अल्कालिन में पढ़ा से कुछ पता नहीं चलता था। तो सीधी सी बात, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को, सॉरी पेन स्लिप कर रही मेरी आज, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को अल्काली मेटल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलीन। देखो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है, उसके जो मेटल्स हैं वो क्या है, वो अल्कलीन है, इसलिए उनको अल्काली मेटल्स कहा जाता है। लेकिन ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलीन अर्थ मेटल, याद रखिए। ग्रुप 1 को अल्काली मेटल्स, ग्रुप 2 को अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेबिट मेटल कंटेन 89% टिन, 9% एंटीमनी एंड 2% कॉपर। बेबिट एक तरह का मेटल है और उस मेटल में 89% टिन पाई जाती है। टिन का सिंबल है Sn और 9% इसमें एंटीमनी पाई जाती है, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb से, और 2% कॉपर, कॉपर माने Cu का सिंबल है। आगे है गन पाउडर, गन पाउडर कंटेन 75% पोटेशियम नाइट्राइट, 10% सल्फर एंड 50% चारकोल। गन पाउडर में 75% पोटेशियम नाइट्राइट पाए जाते हैं, 10% सल्फर पाया जाता है, 15% इसमें चारकोल पाया जाता है। ये गन पाउडर की बात की। उसके बाद है अगला फैक्ट है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का दूसरा नाम, या हम कह सकते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को क्रोमिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्ट है वो है निक्रोम वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, निक्रोम, क्रोमियम एंड आयरन, ठीक है। आयरन हमारे घरों में हीटर्स लगे होते हैं, हीटर जब आप स्विच ऑन करते हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वायर ग्लो करती है, हीट प्रोड्यूस करती है बहुत ज्यादा। और वो वायर अगर आपने खरीदी होगी कुछ दुकान पर जा करके, अगर आपकी मम्मी ने अपने पापा ने बोला होगा क्या बच्चे दुकान पे जा वहां से हीटर की वायर खरीद के ला, हीटर की कॉइल खरीद के ला, अगर आपने लाया होगा वो कॉइल उसके डब्बी पे लिखा होता किसकी है, निक्रोम की वायर है वो, ठीक है। तो निक्रोम मेटल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर की वायर में। नेक्स्ट है पोटेशियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है K2CO3, इसको पर्ल ऐश भी कहा जाता है। पर्ल ऐश किसको कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। नेक्स्ट है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो, लाइट ऑफ हो गई तो कोई बात नहीं, चार्जिंग है हमारा लैपटॉप वैसे भी। तो क्या कहता है यहाँ पर कि सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जियोलाइट, जियोलाइट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जियोलाइट का भी यूज किया जाता है। हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे सब कुछ क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, टाइम बहुत कम है, और छोटी सी वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो सारे फैक्ट्स को कवर करने की ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए और हम भी आगे एक नई वीडियो बना सकें, ठीक है। कमेंट में बताते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, एक दो बंदे लाइक कर दो पर करना जरूर, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाँ बंदे ने वीडियो देखी, वीडियो उसको अच्छी लगी है, ठीक है। उसके बाद आता है इन साइटोक्रोम आयरन, साइटोक्रोम में आयरन प्रेजेंट होती है, साइटोक्रोम ठीक है, कलर्ड वाला सब्सटेंस सेल्स के अंदर होते हैं उसमें आयरन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सिलेनियम मेटल इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आपने देखे होंगे, वो सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो सारे छोटे छोटे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बट वो फोटो सेल्स जो चार्जिंग होते हैं सनलाइट की हेल्प से, और उन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में सिलेनियम मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैलेडियम की, पैलेडियम मेटल को कहाँ यूज किया जाता है, एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है। उसके बाद है गैलियम मेटल, गैलियम मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अभी आप मुझे एक और मेटल का नाम बताएंगे, कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो थर्मोमीटर में कौन सा मेटल होता है, और वो भी आप देखोगे वो लिक्विड ही होता है, तभी उसका जो डिग्री आगे इंक्रीज होती है टेम्परेचर की वजह से। वो कौन सा मेटल है, थर्मोमीटर में कौन सा मेटल पाया जाता है, या मरकरी एलिमेंट। मरकरी एलिमेंट और गैलियम मेटल ठीक है, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद है रेडियम, रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से रेडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पिच ब्लेंड क्या चीज है वो आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, और किसी वीडियो में डिस्कस करें क्योंकि अभी सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बेस बात करते हैं हमने। उसके बाद है वर्ल्ड फेमस एफिल टावर, हमने भी देखा हुआ एफिल टावर है, स्टील एंड सीमेंट बेस। अरे वाह, ये चीज अभी देखी हमने, फेमस एफिल टावर जो है ना
उसका जो बेस है, बेस वो सीमेंट और स्टील का बना हुआ है। उसके बाद है एक्टिनाइट्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब आप लैंथेनाइड एक्टिनाइट्स आपने पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो एक्टिनाइट्स होती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती हैं, जिसमें थोरियम आता है, यूरेनियम आता है और भी बड़े सारे आते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टेंस में न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए कैडमियम रॉड को यूज किया जाता है। कैडमियम रॉड को यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। उसके बाद है सोडियम परोक्साइड। सोडियम परोक्साइड इज यूज्ड इन सबमरीन एंड आल्सो प्योरीफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स आपने देखा क्लोज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, बंद होते हैं, बड़े बड़े दूर दूर कमरे होते हैं, खिड़कियां कम होती हैं, तो उन कमरों के अंदर, क्लोज्ड हॉस्पिटल्स के अंदर सोडियम परोक्साइड को यूज किया जाता है। और कहाँ पर सोडियम परोक्साइड को यूज किया जाता है? सबमरीन्स में यूज किया जाता है। पनडुब्बियां होती हैं, हमारे नेवी वाले सोल्जर्स जो होते हैं वो पनडुब्बियों में जाते हैं, तो उन पनडुब्बियों में सोडियम परोक्साइड को यूज किया जाता है एयर को प्योरीफाई करने के लिए। अब वहां पर खिड़की खोल के तो पानी आ जाएगा सारा का सारा विंडो से, तो प्योरीफाई करने के लिए वहां पर सोडियम परोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीओ कोबाल्ट। इसका सॉरी सीओ कोबाल्ट, हाँ, इसका एटॉमिक नंबर 60 है और इसको यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, कौन सा? वो कोबाल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर अल्कलीन। तो मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सब अल्कलीन नेचर के होते हैं। उसके बाद है अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक अगर आप खाते होंगे, जब भी अनियन काटते हो, आपने देखा अनियन काटोगे तो उसमें से एक स्मेल आती है, ठीक है, तो ऑर्डर आती है, ऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो आपको पता ही होगा वैसे। तो अनियन और गार्लिक की जो स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, किसकी वजह से होती है? उसमें उसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम की वजह से उसमें ऑर्डर आती है, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी पूछा जाए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर एंड कॉपर। देखिए सर, कॉपर से पहले सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कॉपर आता है। इसलिए हम घरों में जो वायरिंग यूज करते हैं वो कॉपर की वायरिंग यूज करते हैं। सिल्वर की कर सकते हैं, बट सिल्वर इतनी कहाँ करेंगे यार, हम कहाँ कर सकते हैं सिल्वर की, वैसे कॉपर ही ठीक है यार अपने बजट में। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। दुनिया के सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स, मैलिएबल वो मेटल्स होते हैं जिनको आप थिन से थिन शीट्स में क्या कर सकते हो, उसको बिल्ड कर सकते हो, दैट कैन बी बिल्ट इनटू थिन शीट। दो एलिमेंट सबसे ज्यादा, दो मेटल्स कौन से? एक सिल्वर एंड सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। अभी आपने देखा होगा मैक्सिमम ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सिल्वर और गोल्ड के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मर्करी एंड आयरन प्रोड्यूसेस मोर रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द अदर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो मर्करी और आयरन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं देन एनी अदर मेटल, ठीक है। उसके बाद लिथियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड द मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यहाँ पर कोई है पीरियोडिक टेबल में, कोई है, और वो है लिथियम। उसके बाद फैक्ट हमारा आता है फायरवर्क्स के बारे में, बात कर रहा है। फायरवर्क्स में क्या होता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूं मैं। आप ठीक है दोस्तों? लाइट बंद कर दी मैंने ऊपर। तो अभी बात फायरवर्क्स की बात करें, फायरवर्क्स की बात करें, क्रिम्सन रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंटियम। जब भी आपने क्रैकर्स जलाए होंगे ना, फायरवर्क्स का कोई भी आप पटाखा जला के देखो, उसमें रेड रेड कलर का एक बहुत ही प्यारा सा कलर निकलता है जिसको क्रिम्सन रेड कलर बोलते हैं। और वो क्रिम्सन रेड कलर किसकी वजह से होता है? वो स्ट्रॉन्टियम मेटल्स में, स्ट्रॉन्टियम एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेरियम इन फायरवर्क्स। आपने देखा होगा जब भी आप पटाखे जलाते हो तो कई पटाखों में ग्रीन कलर्स भी निकलते हैं, तो वो ग्रीन कलर किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? उसमें बेरियम होता है, बेरियम, बेरियम की वजह से ग्रीन कलर, और स्ट्रॉन्टियम की वजह से रेड कलर उसमें फायरवर्क्स में आपको देखता है। उसके बाद है बेरियम सल्फेट इज यूज इन एक्सरे ऑफ एब्डोमन एज बेरियम मील। एब्डोमन इस पार्ट का जब आप एक्सरे करवाने जाते हो, एब्डोमन पार्ट का, तो बेरियम बेरियम मैटर बेरियम मील जिसमें बेरियम सल्फेट को एज यूज किया जाता है एक्सरे में, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एट बारियाटा वाटर। बारियाटा वाटर किसको बोलते हैं? बेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मियम। ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल एंड प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल। इस पूरी दुनिया में आज तक ऑस्मियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो सबसे हैवीएस्ट मेटल है,
और प्लेटिनम एकमात्र ऐसा मेटल है जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, सबसे हार्डेस्ट, ठीक है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को फ्लावर ऑफ जिंक भी कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज फ्लावर ऑफ जिंक, इट इज ऑल्सो नोन एज चाइनीज व्हाइट एंड यूज एज व्हाइट पेंट। व्हाइट पेंट में जिंक ऑक्साइड को यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को ही फ्लावर ऑफ जिंक कहा जाता है, इसी को चाइनीज व्हाइट कहा जाता है और इसको व्हाइट पेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड की। फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस आपने देखे होंगे, फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस में किसका, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस में। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड आप नोट डाउन करके लिख लो, ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपने देखा सऊदी अरेबिया में और यूएई में आर्टिफिशियल रेन करवाई गई, जिसके कारण वहां पर बड़ी ज्यादा बारिश हुई, ठीक है। तो वहां पर किस एलिमेंट का यूज होता है आर्टिफिशियल रेन में, सिल्वर आयोडाइड का। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज एज मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शंस में मार्कर, हाँ जब हम इलेक्शन वोटिंग देने गए थे यहाँ पर उसने निशान लगवाया था, और कई कई तो नेता लोग हमारे ऐसे भी थे जिसने इस उंगली पे भी निशान लगा के कहा हम वोट लेके आए। तो दोस्तों उस बात पे ना जाते हुए, तो जो मार्कर मार्कर लगाते हैं ना उंगली पे मार्किंग करते हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। उस सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया जाता है, इट इज केप्ट इन कलर्ड बॉटल टू अवॉइड डिकम्पोजिशन, उसको कलर वाली बॉटल में ही रखा जाता है ताकि उसकी डिकम्पोजिशन ना हो। सिल्वर स्पून की बात करें, सिल्वर स्पून इज नॉट यूज इन एग फूड बिकॉज इट फॉर्म्स ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। जब भी आप ऑमलेट खाते हो, एग मतलब एग वाला कोई भी फूड खाते हो, उसमें कभी भी सिल्वर मेटल का यूज मत करना, सिल्वर स्पून का यूज खास करके मत करना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। टू हार्डन द गोल्ड कॉपर इज मिक्सड, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। देखो आप खरा सोना लाते हो ना, प्योर गोल्ड लाते हो, वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। बट जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो, ज्वेलरी बनाते हो, तो ज्वेलरी इतनी हार्ड तो होती है, मतलब प्योर गोल्ड तो सॉफ्ट होता है, तो उसमें जो हार्डनेस आती है वो किसकी वजह से आती है, उसमें कॉपर को यूज किया जाता है, कॉपर को मिक्स किया जाता है, ठीक है, गोल्ड के अंदर। नेक्स्ट है आयरन पाइराइट्स। दोस्तों कई बंदे शौकीन होते हैं सोने के बट उनके पास पैसे नहीं है, तो आपके लिए सलाह देता हूं मैं, आयरन पाइराइट एक ऐसा क्या कंपाउंड है बोल सकते हैं, आयरन पाइराइट जिसका फॉर्मूला है FeS2, उसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है, मतलब बेवकूफ बनाने वाला सोना, दिखता सोने की तरह बट एक्चुअल में सोना नहीं होता। तो उसकी बना लो यार, चेने चेने बना लो, शायद अच्छी अंगूठियां बना लो, हाथ में डालो फूल्स गोल्ड की, ठीक है। तो सिल्वर पाइराइट आयरन पाइराइट्स को बोलते, ठीक है। मरकरी की बात की जाए, मरकरी इज केप्ट इन आयरन पॉट बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अमलगम विद आयरन। मरकरी को हमेशा लोहे के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि लोहे के साथ वो कोई भी अमलगम नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद ट्यूबलाइट, इन ट्यूबलाइट देयर इज अ वेपर ऑफ मरकरी एंड आर्गन। ट्यूबलाइट्स में वेपर्स होते हैं मरकरी और आर्गन के। उसके बाद है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड को यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स में। नेक्स्ट है लेड पाइप, लेड पाइप इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स पॉइजनस लेड हाइड्रोक्साइड। लेड की जो पाइप्स होती हैं, ठीक है, वेरियस हम अलग अलग जगह पर उसको यूज करते हैं, बट वाटर पाइपिंग में कभी भी लेड पाइप्स को यूज नहीं किया जाता, क्यों, वाटर के साथ वो लेड हाइड्रोक्साइड बनाती है और लेड हाइड्रोक्साइड एक पॉइजनस चीज होती है, पॉइजनस बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूज वायर, आपने देखा होगा जब भी आप घरों में वायरिंग देखते हो, फ्यूज लगा होता है बोर्ड्स के ऊपर, और जब भी एक्सेसिव वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब लाइट ज्यादा आती है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आती है, तो फ्यूज वायर फ्यूज हो जाती है। फ्यूज वायर लेड की भी हो सकती है और टिन की भी हो सकती है। रॉट आयरन, अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हम देखें तो वो है रॉट आयरन, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ कार्बन, कास्ट आयरन में आयरन जो होती है, सॉरी कास्ट आयरन में कार्बन जो होता है वो 2.5 से 5% होता है, कार्बन की बात कर रहा हूँ, और रॉट आयरन में 0.1 to 0.2%। जितना कम कार्बन उतनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जितना कम कार्बन उतनी प्योर फॉर्म की आयरन, जितना कम कार्बन उतनी प्योर फॉर्म की आयरन। तो कास्ट आयरन में क्या होता है, कास्ट आयरन में ज्यादा मात्रा में
कार्बन पाया जाता है, और रॉट आयरन में कम कार्बन पाया जाता है, इसलिए रॉट आयरन में इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री 100 सेल्सियस है, 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टंगस्टन का इंडिया में टंगस्टन इज प्रोड्यूस इन देगना माइन विच इज सिचुएटेड राजस्थान। अब ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन एलिमेंट या टंगस्टन मेटल जो है वो प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है इंडिया में, तो देगना माइन है राजस्थान की, वहां पर टंगस्टन को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन एयर इज रिमूव फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में जो वायर होती है जलती है, जो वो टंगस्टन की बनी होती है, और टंगस्टन में ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब टंगस्टन की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब से एयर को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जिक्रोनियम मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन एज वेल एज इन नाइट्रोजन। कुछ एलिमेंट्स आते हैं ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है बर्न करने के लिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का यूज करते हैं बर्निंग के लिए, बट जिंक्रोनियम जिसका केमिकल सॉरी जिसका सिंबल है ZR, वो ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन में भी बर्न करता है और नाइट्रोजन में भी बर्न करता है। नेक्स्ट है बेडिलाइट, बेडिलियाइट जिसको जिरकोना कहते हैं, जिरकोना ZrO2, ये एक जिक्रोनियम की ओर है, ठीक है। आयरन ओर होती है जैसे, वैसे जिक्रोनियम की एक ओर का नाम है बेडिलियाइट, जिसको जिरकोना भी कहते हैं। ZrO2 इसका क्या है, सिंबल है, सिंबल नहीं बोल सकते इसको, केमिकल नेम बोल सकते हैं, केमिकल फार्मूला बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जिक्रोनियम, जिरकोनियम, कैडमियम एंड बोरॉन हैव कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, सो दे आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो न्यूक्लियंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसलिए न्यूक्लियंस सॉरी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब जो करते हैं वो जिक्रोनियम, कैडमियम और बोरॉन करते हैं, इसलिए जिक्रोनियम, कैडमियम और बोरॉन को क्या किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है बिराइल, बिराइल एक और है बेरिलियम की। नेक्स्ट है स्टेनस सल्फाइड, SnS2 के नाम से। स्टेनस सल्फाइड को मोजेक गोल्ड भी कहा जाता है, इसको पेंट्स में यूज किया जाता है। आपने देखे होंगे गोल्डन कलर के पेंट होते हैं, तो वो क्या गोल्ड थोड़ी होता है उसमें, या गोल्डन कलर डाला होता है, तो वो गोल्ड जैसी शाइन किसकी वजह से आती है, वो इसी की वजह से आती है, पेराइल की वजह से, जो पेरिलियम की एक ओर होती है। उसके बाद है बेरियम सल्फेट, BaSO4। BaSO4 को यूज किया जाता है एज बेरियम मीलिन एक्सरे ऑफ स्टमक। स्टमक ये हमने पहले ही पढ़ा, जब हम स्टमक या एब्डोमन का एक्सरे करवाते हैं उसमें बेरियम मील का यूज किया जाता है। बेरियम मील एक्चुअली क्या, बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट को बेरियम मील की तरह वहां पे यूज किया जाता है। उसके बाद ग्रीन लाइट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग क्रैकर्स इज ड्यू टू प्रेजेंस, बेरियम की प्रेजेंस के कारण ही क्रैकर्स जब जलाते हैं उसमें ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती है, वो बेरियम की वजह से होती है। उसके बाद है द क्रिम्सन रेड लाइट, ये हमने पहले भी देख लिया, क्रिम्सन रेड लाइट किसकी वजह से, स्ट्रॉन्टियम की वजह से होती है क्रैकर्स में। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्करी आर नोबल मेटल्स। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्करी, इसको क्या कहते हैं, नोबल मेटल्स कहा जाता है। गोल्ड, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम, ये क्या है, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, प्लेटिनम, नोबल मेटल्स है। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलियबल अमंग अदर मेटल्स, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद एल्यूमिनियम वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इन 1827 AD, इस पोटेशियम ऑरिजिनली ऑर्थोमिनेट। अब ये याद रखो कि एल्यूमिनियम को सबसे पहले 1827 में एक्सट्रैक्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीनोसाइड, ग्रीनोसाइड क्या चीज है, जिसको CDS फॉर्मूला उसका नाम है, CDS, वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस नहीं, ग्रीनोसाइड, ग्रीनोसाइड किसकी ओर है, कैडमियम की ओर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है ब्रिटानिया मेटल, ब्रिटानिया मेटल इज एन अलॉय ऑफ एंटीमनी, कॉपर एंड टिन। ब्रिटानिया का मेटल है वो, ब्रिटानिया बिस्किट मत समझना, ये ब्रिटानिया मेटल है, नाम वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। ब्रिटानिया मेटल इज एन अलॉय ऑफ एंटीमनी, कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट है थूलियम हैज सिंबल Tm, थूलियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, Tm है। उसके बाद है फ्लैश बल्ब हो गया हमारा, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड,
अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है वाटरप्रूफ और स्टेनलेस क्लोथ्स को बनाने के लिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पर दाग नहीं लगते, ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है हमारे पास, तो अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है ऐसे कपड़ों के लिए। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, CaC2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एसिटाइलिन गैस। एसिटाइलिन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 विद अल्मोनियम इज यूज्ड टू फिल अप द क्रैकर्स और क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। रेलवे ट्रैक्स में अगर क्रैक आ जाए तो क्या उसको काट के फिर नया वाला वेल्डिंग करके थोड़ी लगाएंगे, उसमें क्या फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और वो क्रैक्स को फिलअप कर दिया जाता है। और मशीन पार्ट्स अगर टूट जाते हैं थोड़ी क्रैकिंग आ जाती है उसमें, उसमें भी सेम यही काम किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा के उस क्रैक्स को फिल किया जाता है, और इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया आए दिन हमने सुना है, एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, किसकी वजह से होती है? एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। जब भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो एनीमिया आ जाएगा। व्हाइल एक्सेस ऑफ आयरन इन द बॉडी में कॉज सिडेरियोसिस। आप देखो कमी हो जाएगी तो एनीमिया, ज्यादा हो जाएगा तो भी बीमारी, तो भी डिजीज लगता है, उस डिजीज का नाम सिडेरियोसिस बोलते हैं। बंटू ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका सफर फ्रॉम सिडेरोसिस बिकॉज दे ड्रिंक बियर इन आयरन कंटेंट्स। देखो अफ्रीका की बंटू ट्राइब्स हैं, बियर पीती हैं बट लोहे के बर्तन में, और लोहे के बर्तन में बियर रिएक्शन करती है, आयरन जो होता है वो भी पी लेती है उसको। ठीक है, ज्यादा आयरन पीने की वजह से एक्सेसिव आयरन बॉडी में चला जाता है और उस एक्सेसिव आयरन की वजह से सिडेरोसिस, उन ट्राइब बंटू ट्राइब ऑफ साउथ अफ्रीका उनको सिडेरोसिस होता है। उसके बाद ऑरिक क्लोराइड AuCl3। ऑरिक क्लोराइड इज यूज टू मेक एंटी वेनम नीडल्स। इंजेक्शन वेनम मतलब इंजेक्शन के लिए एंटी वेनम नीडल्स होती हैं, उन एंटी वेनम नीडल्स के लिए जिस एलिमेंट का यूज किया जाता है, जिस कंपाउंड का यूज किया जाता है वो है ऑरिक क्लोराइड AuCl3। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। मरकरी को ही क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, सिल्वर की तरह ही शाइन करता है वो भी। मरकरी इज कैप्ट इन आयरन वेसल बिकॉज इट डज नॉट मेक अमलगम्स विद आयरन। मरकरी को हमेशा आयरन के ही बर्तन में रखा जाएगा, आयरन के ही पॉट में रखा जाएगा, क्योंकि वो आयरन के साथ रिएक्ट करके कोई भी अमलगम नहीं बनाता। उसके बाद लेड। लेड एक स्टेबल एलिमेंट है, इसलिए इसको पेपर्स में लिखने के लिए यूज किया जाता है। कमेंट में बताएं आप लेड से लिखते हो तो लेड कौन सी चीज में पाया जाता है जिससे आप लिखते हो? तो लेड पाया जाता है पेंसिल के सिक्के में, पेंसिल का जो सिक्का होता है ना बीच का, तो वो लेड का ही बना होता है। और लेड एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, कभी टच करके मत देखना उसको इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूट एयर बाय प्रोड्यूसिंग लेड। हम कहते हैं ना यार पेट्रोल जलाने से पोल्यूशन होती है, पेट्रोल चलने से पेट्रोल वाली गाड़ियां पॉल्यूशन करती हैं। अब पोल्यूशन पेट्रोल में ऐसी क्या चीज है जिससे पोल्यूशन हो रहा है? वो लेड ही होता है, लेड निकलता है पेट्रोल से तो पोल्यूशन होती है। ठीक है, उसके बाद लेड आर्सेनिक इज एन अलॉय व्हिच इज यूज्ड टू मेक बुलेट्स। कार्बन लेड इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखो लेड आर्सेनिक एक ऐसा अलॉय है जो गोलियां बनाने के काम आता है, बुलेट्स बनाने के काम आता है, लेड आर्सेनिक। उसके बाद है कार्बन लेड। कार्बन लेड को यूज किया जाता है बॉडी के लिए आर्टिफिशियल पार्ट्स बनाने के लिए। आपने देखा होगा जिन भाइयों की लेग्स नहीं होती आर्टिफिशियल लेग लगवाते हैं, जिन भाइयों के हाथ नहीं होते उनको आर्टिफिशियल हाथ लगाए जाते हैं। भगवान का सुबह उठ के शुक्रिया किया करो, धन्यवाद किया करो भगवान जी से कि भगवान जी आपने हमें सुख शांति से बिल्कुल सही सलामत रखा, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, हमारे सारे घर के पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सारी फैमिली मेम्बर सब ठीक हैं। तो सुबह उठ के प्रेयर पक्का कीजिए और नमस्कार कीजिए सबको, आदर सत्कार कीजिए सबका। सो आगे क्या है, लेड ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लिथार्ज। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज बैटरीज एंड फ्लिंट ग्लासेस। लेड ऑक्साइड बड़ी जगह यूज किया जाता है, लेड ऑक्साइड को ही लिथार्ज कहा जाता है। पानी पी लूं, थोड़ा गला भी सूख रहा है मेरा।
लेड ऑक्साइड को लिथार्च भी कहा जाता है। लेड ऑक्साइड एक एम्पोटरिक ऑक्साइड है, रबर इंडस्ट्रीज में, स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में और फ्लिंट ग्लासेस में लेड ऑक्साइड का यूज किया जाता है। उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम एक हैवी रेडियो एक्टिव मेटल है। इट बिलोंग्स टू एक्टिनाइड ग्रुप। ये एक्टिनाइड ग्रुप में पाया जाता है यूरेनियम। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब्स बनाने में यूरेनियम का काम होता है, मतलब यूरेनियम का यूज किया जाता है। द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी वर मेड ऑफ यूरेनियम। आपने देखा वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंका गया था, और वो बॉम्ब जो ड्रॉप हुए थे हिरोशिमा नागासाकी पर वो भी यूरेनियम के ही बने हुए थे। नेक्स्ट है अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ अ मेटल इज डन बाय जोन मेल्टिंग। जोन मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिससे अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन की जाती है मेटल्स की। द ग्रीन कलर सीन इन फायर वर्क डिस्प्लेस ड्यू टू बेरियम क्लोराइड साल्ट। बेरियम क्लोराइड का साल्ट फायर क्रैकर्स में होता है जिसके कारण ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से। द केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaOCl Cl, मतलब CaCl2O, CaOCl2 बोल सकते हैं इसको। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। आपने सोडियम एलिमेंट देखा होगा, सोडियम मेटल देखा होगा, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते थे अपनी लेबोरेटरी में, स्कूल या कॉलेज की लेबोरेटरी में, सोडियम मेटल को लाया जाता था। सोडियम मेटल को कट करने के लिए नाइफ का यूज किया जाता है, नाइफ से इजिली कट हो जाता है। और सोडियम मेटल को हवा में नहीं रखा जाता, रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ, उसको कैरोसिन में रखा जाता है। सिल्वर इज नॉट अटैच्ड बाय एयर और मॉइस्चर। देखो सिल्वर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एयर मॉइस्चर का। हाउएवर एयर कंटामिनेटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड कवर्ड विद एडहेरेंट फिल्म ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, आपने देखा चांदी होती है, चांदी के गहने होते हैं, उस पर हवा का कोई असर नहीं पड़ता, बट हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ और सिल्वर काली पड़ जाती है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारी ल्यूसेंट जनरल नॉलेज में बुक में दिखाए गए थे। ये केमिस्ट्री का पार्ट था साइंस के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी की, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लाइक शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।